जय श्री राम। नमस्कार प्रणाम सभी साथियों को, दोस्तों को, ऑल वाईटी फैमिली को। दोस्तों, आजकल शादियों का सीजन चल रहा है और कई शादियों में मुझे कई बार जाने का मौका मिलता, निमंत्रण आता है। तो कभी कभार तो अच्छी जो है खान पान में अच्छी तरह से वो बातता है, और कभी कभार जो है पूरी सब्जी खाकर ही वापस आना पड़ता है। कई बार ऐसी स्थिति होती है, क्यों अक्सर देखा जाता है दोस्तों, सर्दियों के टाइम में जो है लोग तंदूरी रोटी और नान जो ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और तंदूरी रोटी नान के लिए वहाँ पर जो है बहुत ही लंबी लाइन लगी रहती है, जिसमें खड़ा होना और इंतज़ार करना, नंबर लगाना मेरे बस की बात नहीं होती। मेरी इस व्यथा को मैं कुछ इन शब्दों के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। तो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें, और चैनल पर यदि न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप भी आनंद लें। मोस्टली 40-50% लोगों की यही व्यथागता होती है, और इस व्यथागता में जो है बहुत बहुत बड़े विद्वान लोग भी जो है लगे हुए हैं शोध करने के लिए, आखिर ऐसा क्यों है। मनुष्य को धरती से उठाकर मंगल ग्रह तक पहुँचाकर ही मानेंगे वैज्ञानिक, लेकिन इस धरती के मनुष्यों से पूछो तो उनको मंगल में कोई दिलचस्पी नहीं है। इन दिनों मनुष्यों में मैं भी एक शामिल हूँ इस प्रकार के मनुष्यों में, सब यही करते हैं कि मंगल तक जाने का रास्ता तो आसान है, सीधा सपाट, बीच में कोई अवरोध नहीं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, कोई गतिरोध नहीं है। और वैज्ञानिकों को पहले, इन वैज्ञानिकों को शादियों में तंदूरी रोटी तक पहुंचने के रास्ते पर शोध करना चाहिए, यह अति आवश्यक है, ज़रूरी है। और आंकड़ों के अनुसार हम माने तो हमारे देश में शादियों में 30-40% सीधे शिष्ट और कमज़ोर लोग या तो भूखे घर लौट आते हैं, या एकाध पनीर चिल्ला खाकर पेट को सांत्वना देकर, एक दाँत गुलाब जामुन खाकर लौट आते हैं। तंदूर से रोटी उड़ाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। मैं भी सोच रहा हूँ शादियों में रोटियों के तंदूर पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए, और दूसरे दिन 10-20 वैज्ञानिकों के दल को इस एक साथ बैठाकर और इस पर चिंतन करना चाहिए। तब लोगों को लगेगा कि जीवन में इस तंदूरी रोटी का महत्व उस मंगल ग्रह से कहीं ज़्यादा है, अधिक महत्वपूर्ण है। चुनाव में टिकट के लिए तो फिर भी कम लोग खड़े होते हैं, कम लोगों की लाइन लगती है। यहाँ तो सारे के सारे मेहमान, चाहे जोधपुरी सूट में हो या जरी की साड़ी, महंगे लिबास में, सबकी आंखें तंदूर से निकलती उस तंदूर रोटी पर उसी तरह होती है जैसे महाभारत में अर्जुन की आंख उस घूमती हुई मछली पर थी। मौका मिलते ही भेद लो, झपट लो, लपक लो। ये तंदूर एक ऐसी जगह है जहाँ सारे रिश्ते नाते, धैर्यता, विनम्रता, शिष्टता आदि को अपने पापी पेट के लिए त्यागना पड़ता है। नहीं त्यागोगे तो आपको भी मेरी तरह दोबारा फिर पनीर चिल्ला ही खाकर घर लौटना पड़ेगा। दोस्तों, पेट पुराण में साफ लिखा है कि तृप्त होना है तो तंदूर पर अनजान बने रहो। मामा मामी, काका मौसा मौसी, बुआ गुरुजी, फूफा जी और जितने भी रिश्ते नाती हैं, उस समय कभी भी किसी को मत पहचानो तो आप अवश्य इस रेस में आगे रहोगे, और जो पहचान गए, नज़र मिल गई, तो समझो अपनी तंदूरी रोटी, तंदूरी नान उनको देनी पड़ सकती है। हाल ही एक शादी में तंदूर से 3 फीट दूर आधे घंटे तक अटका रहा। मेरे आगे 15 लोग थे, 15 से 20 लोग थे करीब। एक परिचित से मेरी नज़र मिल गई, बोला चपाती चाहिए क्या? मैंने कहा जी नहीं, यह तो कलर कैनवास, यहाँ तो मैं कलर कैनवास लेने आया हूँ। बाजू में एक सज्जन खड़े थे जिनके प्लेट में काजू कतली, हैदराबादी पुलाव और न जाने क्या क्या लापरवाही से भरे पसरे थे। गुलाब जामुन सूट पहने समझियों की तरह लग रहे थे उनकी प्लेट के अंदर। उनकी प्लेट पूरी तरह से लबालब भरी हुई थी, लेकिन चपाती, तंदूरी नान, चपाती की कमी थी जो यहाँ तक आगे वो आके लाइन में लगे खड़े थे। दाईं तरफ एक सज्जन खड़े थे जिनके होठ मोटे थे और उन पर काफ़ी मात्रा में रबड़ी लगी हुई थी। मेरे कहने पर उन्होंने साफ करके अपने कुर्ते के पीछे के हिस्से पर पहुंच लिया। यहाँ रोटी से ज़्यादा भूख दर्शन दे रही थी। मैं कुछ देर खड़ा रहा, रोटियाँ सिकती जा रही थी और जाती जा रही थी, आगे से आगे लोग लेते जा रहे थे। तंदूर से चिपके कुछ मेहमान दूसरों की परवाह किए बगैर अपनी थाली में 4-4 चपातियाँ घी लगाकर मज़े से ये सजा रहे थे। सगाई की थालियों में ज्वेलरी
या अन्य मिठाई वगैरह सजाते हैं, खैर कहीं ले जा रहे होंगे अपने, वो क्या है। मैं तो फिर निकल गया वहाँ से, मैं मन ही मन बड़ा बड़बड़ा रहा था कि शादियों में मिठाई 10 की जगह 2 ही रखूँ, 1 ही रखूँ, पर रोटियों की तंदूर 10-15 लगानी चाहिए ताकि वो 30-35% लोग मेरे जैसे तसल्ली से खाना खाकर घर जाएं, जिनमें मैं भी एक शामिल हूँ। अक्सर ऐसी शादियों में उसे घर आते ही श्रीमती जी का पहला ही सवाल यही होता है मेरे से सर्वप्रथम कि कुछ खाया है वहाँ, खा पी के आए हो या आज भी आपके लिए रोटी बनानी पड़ेगी श्रीमान। अगर ऐसा है तो अभी बता देना, फिर आधे घंटे के बाद कहोगे कि मुझे भूख लग रही तो मैं नहीं उठ के बनाने वाली, इसलिए पहले बता देना, पहले ही कह रही हूँ। अब कई कबार तो जो है मन महसूस के 2 गिलास पानी पी के सोना पड़ता है, और कभी कभार जो है तकलीफ देनी पड़ती है श्रीमती जी को, उसकी दिन भर की थकावट देख कर कई बार चुप रहना पड़ता है और ऐसे लेख लिखने को मजबूर, वीडियो बनाने को मजबूर होना पड़ता है। तो लोगों की 30-35% लोगों की यही कथा व्यथा होती है। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से उसे बताएं। राधे राधे, जय श्री राम, सभी को प्रणाम।